पंकज ने कभी शादी की बात की थी कि नहीं हम इस लड़की से प्यार करते हैं, पापा हम इनसे ही शादी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब कि गांव के बाहर ही मतलब इस तरह का घटना हुआ है? हाँ घटना हुआ है, घर पर मारा है, उसके बाद बाहर में टांग दिया पुल पर। मतलब जो पंकज हैं वो सोनी के घर मिलने गए थे, कारण क्या था? कहिएगा प्रशासन किस तरह से काम कर रही है? प्रशासन तो एकदम ढीला काम कर रही है, कोई जोर तोर से ये काम नहीं, साफ है ढीला। 8 दिन हो गया आज तक कोई खबर। जय हिंद, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप सभी का चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समस्तीपुर जिले में पहुंचे हैं और यहां पर एक प्रेम की घटना हुआ है। जिस तरह से छोटू और आरती का प्रेम का घटना था, उसी तरह यहां पर पंकज और सोनी का घटना हुआ है जिसमें पंकज की मौत हो गई है। आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आप देख सकते हैं ये पंकज का घर है, आप घर का देख सकते हैं किस तरह से, ये गरीब परिवार से एक बिलोंग करते थे पंकज और उन्होंने प्यार का सिला यही मिला कि उनको मौत हो गया। आइए और भी अंदर उनके पिताजी से और भी काफी लोगों से बात करवाते हैं। देखिए उनके पिताजी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ सर घटना हुआ था यहाँ पर? मेरे लड़के को मार दिए थे। क्यों मार दिया गया था, कारण क्या था? अब कारण को इसका पता नहीं था, दोनों मिलके गाना उना बनाता था, अब इस बीच में क्या था उसके यहाँ से ले गया। मतलब कि वो जो सोनी लड़की है वो और जो पंकज है दोनों इंस्टाग्राम पे या इस तरह के वीडियो शॉर्ट वीडियो बना देते हैं। हाँ वो मेजी के क्या कहता है, हम तो पढ़े लिखे नहीं बुझने आता है। मौज पे हाँ वो मेजी के कौन कहता है, सो चैनल जो है सब जो है से लिखता उखता था और किताब भी है गाना वाला लिखे हुए। वो दोनों साथ में पढ़ते थे? नहीं नहीं पढ़ते होते थे नहीं, वो तो कब से वो काम करते थे, रंग का काम करता था। मतलब पंकज जो है वो अभी पढ़ाई नहीं करते थे? ना पढ़ाई नहीं करते। पंकज कितना पढ़े लिखे थे? वो लगभग 8वां 9वां करके छोड़ दिया। 8वां 9वां करके छोड़ दिया। हाँ गरीब आदमी थे, उससे काम करवाते थे जो चलो काम करो नहीं पढ़ना। अच्छा उनकी उम्र कितनी हुई थी? लगभग 20-21 साल। 20-21 साल। अच्छा घटना कैसे हुआ था, घटना मतलब आपको बॉडी कैसे मिला था और क्या कुछ हुआ था बताइए। उसको जब हम लोग का सवेर में जानकारी हुई 5 बजे के बाद, देखे जो वहाँ से लोग आया कहने के लिए जो देखो तुमको लड़का को तो मार कर टैंग दिया। अब यहाँ से गए देखे जो सही ये बात है, लटका हुआ था। क्या पंकज की किसी से दुश्मनी थी कोई खास? नहीं उसको तो देखिए बहुत लगभग 2-4 किलोमीटर से ज़्यादा में भी काम करते थे दोनों बापते और लेबर भी रहता था, लेकिन कहूँ से उसका दुश्मनी नहीं था। जहाँ भी काम करते थे जिस मोहल्ला में सारे लोग उसको मानते थे। अच्छा ये बताइए किस जाति से आप और पंकज बिलोंग करते हैं? हम कुशवाहा हुए और वो जो है से जादव हुए। अच्छा लड़की जो पार्टी हो जादव का पार्टी? हाँ जादव है, जादव पार्टी है। जादव तो आपका किसके लड़की के भाई पे किस पे आपको शक है? मेरा उन्हीं पूरा परिवार पर शक है। पूरा परिवार पर शक है जी। अच्छा आपको पता होगा कि एक घटना हुआ था छोटू और आरती का? हाँ वो जानकारी। तो सेम टू सेम उसी तरह का? उसी सेम हो गया, सेम टू सेम जो है से हो गया। छोटू का था और भाई था, लेकिन मेरा तो हम एक ही भाई था। मतलब परिवार में छोटू अकेले थे, परिवार में आपके और कोई लड़के नहीं है? नहीं एक ही लड़का था। हाँ पंकज एक ही लड़का था, पंकज कुमार। अच्छा अच्छा कितनी मतलब पंकज की कितनी बहनें हैं? 4 बहनें थी। तो पंकज बड़े थे कि छोटे थे? 2 का मैंने बीच में थे, 2 बड़े थे 2 उससे छोटे थे बहन बीच वाला थे। अभी पंकज के मतलब के बहनों को सबकी शादी हो गई है पंकज से? नहीं एक बची हुई है। मतलब कि परिवार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पंकज पर थी? हाँ पंकज पर थी नहीं, अब वो मान के चले कमा को हम लोग का वो सेवा करता है, कमा को खिलाता, मेरे कन्हा पर उठा के ले जाता, सो हम ले गए हैं कन्हा पर उठा के। अच्छा यहाँ पर पप्पू जादव भी आए थे नेताजी, उन्होंने क्या कुछ कहा? वो पूरा भरोसा दे के गए हैं जो तुमको हम अथी नहीं दिलाएंगे और इसका जो है से हम पूरा फैसला दिलाएंगे और तुमको बच्ची की शादी में हम 1 लाख रुपया मदद करेंगे और पूरा भरोसा रखो हम तुमको फैसला दिला देंगे। प्रशासन का यहाँ पर क्या कहना है, जो यहाँ के प्रशासन स्थानीय प्रशासन है जो जांच पड़ताल में लगी हुई है उसका क्या कहना है? जांच पड़ताल कहाँ कर रही है, 8 रोज हो गया आज तक तो एक पुलिस भी नहीं मेरे दरवाजा पर आया। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही है, ऐसी तरह की तभी घटना
हो रही हैं। हाँ हाँ, तो कमी है तभी ना, अगर शासन रहता तो इस पर कोई भी एक चिट्टी भी नहीं हिलता। तो ये मतलब कि गांव के बाहर ही मतलब इस तरह का घटना हुआ है? हाँ घटना हुआ है, घर पर मारा है, उसके बाद बाहर में टांग दिया पोल पर। तो मतलब जो पंकज हैं वो सोनी के घर मिलने गए थे, कारण क्या था? थोड़ा खुल के मैं चाहूंगा, ये दो मिनट बैठ जाइए, खुल के थोड़ा बताइए, क्योंकि दर्शकों को जानना चाहिए कि क्या हुआ, क्या था आखिर, मामला था क्या? मामला इसकी पूरा उसका बारे नहीं जानकारी है, लेकिन गाना बना रहा था, वो जानते थे, दोनों साथ थे, गाना बनाता था, उसको भी भाई बाप और जो कीर्तन भजन में जाना था, जा रहा था, और वो भी बजाता होता था गाना उना। और इसके बीच में क्या मामला था नहीं मामला था, ये पूरे हम उसको जानकारी नहीं थी। जब ये गाना निकाला तब जो है से जाके हम जाने जी इससे इसका दोस्ती है, और बीच में अब क्या हो गया ये भी मुझे मालूम। मतलब कि जो सोनी और पंकज थे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे क्लोज थे, प्रेम करते थे? हाँ, गाना के लेके, हाँ गाना के लेके गाना बना रहा था जो चलो तू भी चैनल स्टार्ट कर लेगा, हम भी चैनल स्टार्ट कर लेंगे, दोनों अपन अपन चलाएंगे। अच्छा, पंकज ने कभी शादी की बात की थी कि नहीं, हम इस लड़की से प्यार करते हैं, पापा हम इनसे ही शादी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब बात नहीं, उसको तो जब भी कहते थे एक जगह हम शादी को तय भी उसको कर रखे थे, तो कहे जो घर बना लेंगे तब तक इस, अब तो बरसात की मौसम थी, उसके बाद ये भादो चढ़ जाता है तो इसमें हम लोग का शादी होता नहीं, फिर कार्तिक के बाद से छठ की बात से शादी शुरू हो जाती है, तो हम उसको भी तय कर रखे थे। अच्छा, एक बात हमसे आपसे हम पूछना चाहेंगे, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या प्यार करना गुनाह है? देखिए, अब गुनाह तो नहीं है, अभी तो सारे लोग जो है से हर घर में जो है से चलता ही रहता है जी। लेकिन समाज की यही रीति रिवाज हो गया, यही हो गया है, और उसके बाद ये नहीं है जो किसी को बच्चे को फांसी दे दो, अरे इसमें पकड़ के रखो, समाज में जानकारी दो, समझाया जा सकता है, हाँ समझाओ, पुलिस में दो, अब ये नहीं है कि किसी को जान से मार दो, अगर तू थोड़ा बहुत मार के थाने में रख देता चाहे जेले भेज देता तो जिंदा रहता। पहले से आपको जानकारी थी कि मतलब कि दोनों प्रेम प्रसंग में हैं? नहीं नहीं, वो पहले से जानकारी, जब मोबाइल में गाना निकला उसी टाइम से हमको जानकारी है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है। हाँ हाँ, उससे पहले नहीं थी। अच्छा, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो प्रशासन है उसके बारे में क्या कहिएगा, प्रशासन किस तरह से काम कर रही है? प्रशासन तो एकदम ढीला काम कर रही है, कोई जोर तोड़ से ये काम नहीं है, साफ है ढीला, 8 दिन हो गया आज तक कोई खबर नहीं है। प्रशासन का क्या कहना है? हमको तो यही कहना है जो अपनी सजा, और सजा से पहले जो है से कातिल को पकड़े जी, कातिल को पकड़े, जितना जल्दी से जल्द कातिल को पकड़ के और उसको दिखार करे जो कौन कातिल है। केस दर्ज हो चुका है? हाँ केस दर्ज हो। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, आपको क्या कहा गया कि मतलब कितने दिनों में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, कुछ अभी कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो देखिए, ये थे पंकज के पिताजी, और इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए घर वाले के और भी सारे परिवार से मिलवाते हैं।